एक लड़की जिसकी उम्र 28 साल हो, जिसके नाम पर 16 ग्रैमी नॉमिनेशंस हो, जिसके नाम पर मल्टीपल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट्स हो, एक लड़की जो बेसिकली अपने करियर की पीक पर हो और वो अचानक से ऐसी हो जाए, इसके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग कारण है, या तो इसके पीछे पब्लिसिटी स्टंट है। अब ये मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम है डोजा कैट, तुम में से काफी लोग जानते होंगे, बाहर की बहुत ही ज्यादा वेल नोन पॉपुलर सिंगर है। लेकिन उसकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से, एक फन लविंग लड़की बेसिकली जो इतना अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसी हो जाती है। अब इसके पीछे दो ही रीजन है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, या तो ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी इसके पास सब कुछ है, पब्लिसिटी भी इसके पास अच्छी खासी थी, इतनी कम एज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसके पीछे पक्का रीजन नंबर टू है। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। अमाला रत्ना जेंडिल डियामी, October 21, 1995, इस दिन अमेरिका के लॉस एंजल्स में जन्म लेती है डोजा कैट। डोजा कैट को बचपन से सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है और वो ना गाने वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती है काफी छोटी उम्र से, और एक बहुत ही ना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है साउंड क्लाउड, वहां पर अपलोड करना स्टार्ट करती है। तभी उसका एक गाना सो हाई कामोसाबे रिकॉर्ड्स, जो कि एक म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है, और आरसी रिकॉर्ड्स, ये भी एक रिकॉर्ड लेबल है, इनके साथ ना डोजा एक डील साइन करती है। फिर 2018 में अपना डेब्यू स्टूडियो एल्बम अमाला रिलीज करती है, एंड इसके बाद वो रिलीज करती है अपना एक बहुत ही वायरल सिंगल जिसका नाम होता है मो। इस गाने में डोजा कैट अपने आप को एक काव दिखाती है, एक मीम के तौर पर ये गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है। तो इस पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए डोजा पिंक अपना दूसरा एल्बम भी निकाल देती है जिसका नाम होता है हॉट पिंक। हॉट पिंक भी एक बहुत बड़ा हिट बनता है, ये सॉन्ग डोजा कैट का US बिलबोर्ड टॉप 200 में टॉप 10 के अंदर होता है, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद डोजा कैट का निकी मिनाज के साथ गाना आता है से सो, और ये गाना भी US बिलबोर्ड टॉप 200 में टॉप 100 के अंदर होता है। इसके बाद डोजा कैट की तीसरी एल्बम आती है जिसका नाम होता है प्लैनेट हर, ये भी बहुत बड़ा हिट होता है। ये एल्बम 4 हफ्तों तक टॉप 2 में रहती है US बिलबोर्ड टॉप 200 के अंदर, टॉप 2 में। इस एल्बम से ना कुछ गाने जैसे कि किस मी मोर, नीड टू नो और वुमन बहुत ही ज्यादा वायरल जाते हैं। इसकी 4th स्टूडियो एल्बम स्कारलेट भी बहुत अच्छी जाती है, बहुत सक्सेसफुल होती है। उसका भी एक सिंगल पेंट द टाउन रेड बहुत ज्यादा वायरल जाता है, यहां तक कि इसके करियर का सबसे बड़ा वायरल सिंगल बन जाता है। तुम देख रहे हो अचीवमेंट, देख रहे हो तुम इसकी, इसकी इतनी सारी अचीवमेंट, इतने सारे सॉन्ग्स के वायरल होने के पीछे ना एक बहुत बड़ा जो है हाथ किसका पता, टिकटॉक का और रील्स का, इंस्टाग्राम। इन्होंने ना आजकल काफी सारे बंदों को, तुम्हें पता है ये गाने की कुछ लाइंस अच्छी हो तो फिर पूरा गाना हिट हो जाता है, तो वहीं डोजा कैट की भी सक्सेस के पीछे इन दो प्लेटफॉर्म्स का बहुत बड़ा रास्ता। अब देखो इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं तो अवार्ड्स तो मिलेंगे ही ना। डोजा कैट ने इतनी कम उम्र में ना एक ग्रैमी अवार्ड जीत लिया और 16 बार नॉमिनेट भी हुई ग्रैमी के लिए, इतना ही नहीं 5 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, 5 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, 5 MTV म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स भी जीते हैं डोजा कैट ने। इतना ही नहीं वो 2020 की ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग टू बिलबोर्ड भी रही थी, और टाइम्स ने तो उसे 2023 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी डाला था वर्ल्ड की। ये सारे का सारा बैकग्राउंड तुम्हें मैंने डोजा कैट का सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम्हें एक तो पता लग जाए कि डोजा कैट कौन है जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसके पास सब कुछ था बेसिकली, तुम समझ सकते हो कि उसके पास फेम भी था, उसके पास पैसा भी था, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो उसके अंदर चेंजेस आया है, तो वो किसी पब्लिसिटी स्टंट का पार्ट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए उसको लोड ही नहीं है, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसके पास पैसा भी है, फेम भी है, सब कुछ है। तो ऐसे में अब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागने लगी डोजा कैट के फैंस में, तो अफवाह उड़ने लगी, और अफवाह ये थी कि शायद उसने अपनी सोल बेच दी है। और ये बात बाहर देश में ना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है कि आर्टिस्ट जो है फेम और पैसे के लिए अपनी सोल बेच देते हैं। इल्यूमिनाटी, पता होगा तुम्हें इसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन लिखाएगा बड़ा बड़ा यहाँ पे। अब से कुछ महीनों पहले तक डोजा कैट की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड थी, बहुत अच्छे से फन लविंग लड़की थी, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके टिकटॉक के सारे पोस्ट डिलीट हो जाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा डिमोनिक पोस्ट डालने लगती है। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग बात थी ना डोजा कैट के फैंस के लिए, वो थी उसकी अपीयरेंस। उसने अपनी अपीयरेंस एकदम ही बदल ली थी, उसने अपना पूरा हेड शेव कर लिया था, इसके अलावा उसने अपनी आईब्रो शेव कर ली थी। ये किसी भी लड़की के लिए कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। बस यही सारी चीजें नोटिस करते करते फिर अफवाहों ने जन्म लिया, डोजा कैट के फैंस ने सभी ने अफवाहें फैलानी स्टार्ट करी। सबका ये मानना था कि डोजा कैट ने शायद इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लिया, उसने अपनी सोल बेच दी है, क्योंकि बाहर देश में आर्टिस्ट अपनी सोल बेचते हैं, वहां इल्यूमिनाटी टर्म जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, कुछ लोग इसको फेम के लिए एज ए पब्लिसिटी स्टंट भी यूज करने लगे हैं, बट वहां पर ये बहुत नॉर्मल है चीज कि लोग अपनी सोल बेच देते हैं फॉर सक्सेस एंड फेम। डोजा कैट के जो भी फैंस थे ना, वो उसकी इस हरकतों से ना बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि यार वो उसके फैन बने थे, उसकी फन लविंग, जो एक अच्छी लड़की थी, प्यारी लड़की थी, उसके गाने आते थे, हिट होते थे, उस चीज के फैन बने थे। और अचानक से अगर तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी जिसको तुम इतना एडमायर करते हो, ऑल ऑफ अ सडन वो ऐसी डेमोनिक चीजें करने स्टार्ट कर दे, अपने बाल उड़ा दे, शेव कर दे, अपनी आईब्रो शेव कर दे, ऐसे अजीब अजीब से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दे, तो भाई उसके फैंस तो बहुत ज्यादा उसे निराश थे। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आता है डोजा कैट का 27वां जन्मदिन, जिसमें वो इल्यूमिनाटी थीम पार्टी थ्रो करती है। वो ये सब कर रही थी 27th क्लब, मतलब 27 की एज को 27 क्लब माना जाता है बाहर। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज थे, सिंगर्स थे, एक्टर्स थे,
जिन्होंने की डेथ हुई थी 27 की एज में, तो इसीलिए इसको 27 क्लब बोल देते हैं और ये अच्छा नहीं माना जाता। और डोजा कैट 27 की उम्र में एक इल्यूमिनाटी थीम पार्टी रख रही है। इसके बाद टाइम आता है पेरिस फैशन वीक का, और यहाँ पर डोजा कैट जिस अवतार में दिखी ना, उसके बाद सारे के सारों का ना जो शक था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया कि ये पक्का डिमोनिक हो चुकी है भाई। वहां पर डोजा कैट पूरे के पूरे रेड क्रिस्टल्स में दिखी। इसके बाद डोजा कैट ने एक के बाद एक ऐसी क्रीपी फोटोज डाली कि भाई लोगों का दिमाग ही खराब हो गया, और उसने अपनी हरकतें भी बदल दी थी। मतलब बेवजह ही वो इंस्टा लाइव पर आकर अपने फैंस के ऊपर गुस्सा कर दे रही है, अपने फैंस को डांट दे रही है, चिढ़ जा रही है, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जा रही है। ये सारे चेंजेस एकदम से आना तो किसी के लिए भी भाई जो फैंस है उसको एडमायर करते हैं बहुत ही ज्यादा सडन चेंज था उनकी लाइफ में। उनको लग रहा क्या हम किसे पसंद करते हैं, एकदम से क्या हो गया इसको। इससे दो चीजें हो रही थी, उसके कुछ फैंस थे जो बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे थे उसके बारे में, वहीं उसके 600 के से ज्यादा फॉलोअर्स कम भी हो गए थे। बहुत सारे फैंस को चीज अच्छी भी नहीं लग रही थी, बहुत सारे उसके जो बड़े बड़े फैन पेजेस थे वो डीएक्टिवेट हो गए। बेसिकली डोजा कैट जानबूझकर हर वो एक ऐसी चीज कर रही थी जिससे वो चाह रही थी कि उसके ना जो फैंस उससे हेट करें। उसके एक फैन ने आकर उससे बोला कि सिर्फ एक बार कह दो कि तुम अपने फैन से प्यार करती हो, और डोजा कैट कहती है कि मैं क्यों बोलूं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। मतलब ऐसा रिप्लाई कोई भी नहीं देता है अपने फैन को। उसके इस बिहेवियर पर ना जब उसके एक फैन ने ये कह दिया कि हमने तुम्हारा इतना सपोर्ट करा, तुम्हें अच्छे बुरा हर वक्त में तुम्हारा साथ दिया, तो वहां पर भी डोजा कैट लिखती है मैंने थोड़ी कहा था तुम लोगों की मुझे सपोर्ट करने के लिए, तुम मेरी माँ क्यों बन रही हो। वो लिखता है अपने फैन को ये, मतलब इस सबको देखकर ये नहीं लग रहा है कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। नहीं तो अदरवाइज अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक हो तो किसी भी आर्टिस्ट को ये चीज पता होती है कि उसके फैन के बिना वो कुछ भी नहीं है। एक तरीके से अगर कंपनी का मालिक होते हैं फैंस और उस कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है एक आर्टिस्ट, कि अगर मालिक चाहे तो उसे जमीन पर ला सकता है, तो इसीलिए हमेशा अपने फैंस की कदर करनी चाहिए। अब ये बात उसे भी पता होगी, लेकिन उसके बावजूद वो हर एक चीज कर रही थी जिससे उसके फैंस उसे दूर चले जाएं। अपने फैंस को इतना उल्टा सीधा कहना सब कुछ कहने के बाद तो डोजा कैट के ऊपर ना एक मतलब उसके फैंस का बैकलैश आ गया बहुत तगड़े वाला। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स कम हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया, उसके बड़े बड़े जो फैन पेजेस थे उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट डोजा कैट के। इसके बाद कुछ फोटोज वायरल होने लगे सीजे साइरस के साथ जो कि एक ट्विच स्ट्रीमर है, और उसको ना लोग इतना पसंद नहीं करते, रेसिस्ट मानते हैं, तो मतलब उसका कोई फैन फॉलोइंग नहीं, इतना उसको पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जब उसके साथ डोजा की फोटोज वायरल वगैरह होने लगी ना, तो ये चीज तो और भी ज्यादा पसंद नहीं आई फिर। अब मतलब अभी तक तो खुद ही डिमोनिक हरकतें कर रही थी, अजीब अजीब चीजें कर रही थी, अपने फैंस के ऊपर गाली गलौज कर रही थी, और ऐसी ऐसी फोटोज थी जिससे साफ पता लग रहा था ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो फैंस हो गए कि ऐसे बंदे को डेट कर रही है, मतलब जो साला रेसिस्ट है जिसको कोई पसंद ही नहीं करता, अब डोजा उसी के साथ घूम रही है। इस हरकत के बाद भी डोजा कैट के ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश आया उसके फैंस का, लेकिन अब तक तुम समझ ही गए होगे कि उसको उसके फैंस की कितनी कदर थी इस मोमेंट पर। अब वो उसने अपनी सोल बेची है, मेंटली अनस्टेबल है, पता नहीं क्या रीजन है, बट उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी बेसिकली कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसने अपने फैंस को क्या बोला तुम खुद ही देखो। Can't take it anymore. Like literally like I like fucking I can't take it. Like you should honestly, you should take my asshole. You should take my asshole and you should fucking like make friends with it. Like it's a big deal. अब देखो अगर ये पहले से ऐसी होती ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है कि रूड है। अब जय बच्चन को भी तो देख लो, वो पहले से ही मीडिया के साथ रूड है तो अच्छी लगती है वैसी हरकतें करती हुई, लेकिन ये पहले ऐसी नहीं थी भाई। एक दो साल पहले तुम बिल्कुल ही अलग लड़की हो, बिल्कुल ही सुंदर, अच्छे गाने चल रहे तुम्हारे, बिल्कुल मस्त टॉप पर चल रहा है, पीक पर चल रहा है तुम्हारा करियर। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कुछ महीनों में क्या होता है कि बिल्कुल ही चेंज, फैंस के प्रति व्यवहार चेंज, तुम्हारा पूरा रूप चेंज, बाल शेव, आईब्रो शेव, रेड क्रिस्टल्स पहन करा जा रही हो भाई, इल्यूमिनाटी की थीम पार्टी दे रहे हो, वो भी 27 क्लब। मतलब इससे तो एक ही बात जाहिर होती है जहां तक मुझे लगता है कि हाँ शी इज अ मेंबर ऑफ इल्यूमिनाटी नाउ। तुम में से काफी लोगों को इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं पता होगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ला सकता हूँ, ऐसे इस वीडियो में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तुम अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके ऊपर भी तुम्हारे लिए वीडियो ले आऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है एक डीप रिसर्च करके। देखो अब यार बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो जस्ट वीडियो बना रहा हूँ कुछ प्रूफ्स के बेसिस पर, ठीक है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है एक तरीके से कि वो सच में इल्यूमिनाटी की मेंबर है, पार्ट है या नहीं है। इसके पीछे रीजन ये कि मेरे को लग रहा है, उसका रीजन तो मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजें उसने करी हैं, ऐसे डिमोनिक से ऐसी हरकतें करना, 27th क्लब में इल्यूमिनाटी थीम पार्टी थ्रो करना, अचानक से इतना चेंज आ जाना, और बहुत सारे बाहर के सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोल वगैरह बेची है। ये पूरा का पूरा इशारा करता है कि डोजा कैट ने भी सब किया है, पर वो ऐसा क्यों करेगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, उसके पास तो फेम सक्सेस सब कुछ है, बट इसका आंसर ये है कि शायद जितना उसके पास है उसको और ज्यादा चाहिए। कहते हैं ना कि किसी चीज की भूख कभी मिटती नहीं है, वो है पैसा फेम, जितना मिले उतना कम लगता है, तो शायद उसको और भी ज्यादा चाहिए था। दूसरा इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उसे इतनी कम एज में इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतना ज्यादा पैसा फेम मिल गया, तो वो उससे ना सक्सेस रास नहीं आई और उसको थोड़ा सा उससे छुटकारा चाहिए था। बट अगर आपको छुटकारा चाहिए, आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं इन सब चीजों से, इतना फेम वगैरह देखकर, तो आप एक अच्छे से रिटायरमेंट भी तो अनाउंस कर सकते हो कि हाँ भैया अभी मैं एक दो महीने के लिए या एक दो साल के लिए गायब रहूंगी इस फील्ड से, अच्छे से अपने फैंस को गुड बाय करो इस चीज के लिए। ये क्या रीजन हुआ कि तुम गाली गलौज कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, ये कोई बात नहीं बनती। बाकी तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें क्या लगता है, इल्यूमिनाटी वाला सीन है या पब्लिसिटी स्टंट है, तुम्हें क्या लगता है, या मेंटली अनस्टेबल है। अपनी राय जरूर देकर जाना कमेंट सेक्शन में, तभी मजा आता, फिर मैं भी तुम्हारे साथ कमेंट में बात करूंगा ना, अपन डिस्कस करेंगे। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बता देना,
अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग किसी के दिमाग में हो तो हम वो भी कवर करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, हर जगह फॉलो कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिली जाएंगे आप प्लेटफॉर्म के। बाकी तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।